नमस्कार मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को सुबह स्नान करके भगवान शिव को जल या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान जी को बेलपत्र चढ़ाएं, शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसमें केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक रखा जाता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत तीन प्रकार के होते हैं, प्रति सोमवार व्रत, सोम्य प्रदोष व्रत, 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों की एक ही विधि होती है। आप ये व्रत मीठे में भी रख सकते हैं। अगर मीठा नहीं खा सकते तो आप एक समय सेंधा नमक भी खा सकते हैं। व्रत कथा इस प्रकार है। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र को मामा को बुलाकर उसके साथ काफी सारा धन दिया और कहा, इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करना। जहाँ भी यज्ञ करो वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा भी देना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल दिए। रात में एक नगर पड़ा जहाँ पर नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता अपने पुत्र के काना होने की बात छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में विचार आया, सोचा क्यों ना इस लड़के से दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दें। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, वह न्याय संगत बात करता था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापिस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार
कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसकी मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, स्वामी मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करें। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए और बोले, यह वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग से इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होने के बाद लड़का मामा उसी नगर को गए जहां पर उसकी विवाह उस लड़की से हुआ था और उन्होंने वहां पर दोबारा यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, महल में ले जाकर उसकी काफ़ी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर, इस प्रकार जो कोई व्यक्ति सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है और सुनाता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। हमारी भी भगवान शिव भोले से यही प्रार्थना है। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर मित्रों आपको भी सोमवार व्रत की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कथा को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।